दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा देता है। करीब 2 लाख लोग मारे जाते हैं, लेकिन अमेरिका यही नहीं रुकता। लॉस एलमोस की एक सीक्रेट लैब में अमेरिका 3rd न्यूक्लियर बॉम्ब की प्लूटोनियम कोर को तैयार कर रहा था, लेकिन इससे पहले अमेरिका उस 14 पाउंड की प्लूटोनियम कोर का इस्तेमाल जापान पे करता, जापान सरेंडर कर चुका था। किसी परमाणु बम में इस्तेमाल होने की जगह अब ये रिसर्च का एक विषय बन चुका था। रिसर्च में इसकी क्रिटिकलिटी थ्रेशोल्ड को टेस्ट करना था, जिसे टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल भी कहा जाता था, यानी एक चूक हुई और सब कुछ जल के राख। 21 अगस्त 1945 को टेस्टिंग करते समय फिजिसिस्ट हैरी डॉगलियन ने गलती से टंगस्टन कार्बाइड की एक स्लैब प्लूटोनियम पे गिरा दी। एक चेन रिएक्शन हुआ और रेडिएशन की वजह से 25 दिन बाद उनकी मौत हो गई। 21 मई 1946 कैनेडियन फिजिसिस्ट लोइस स्लॉटिन स्पेसर्स के जगह स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे भी एक चूक हुई और रेडिएशन की वजह से उनकी मौत मात्र 9 दिन में हो गई। इसी वजह से इस कोर को डीमन कोर कहा जाने लगा।